सबसे पहले कर्नाटक राज्य रहित संघ की तरफ से आज बसव कल्याण विश्वगुरु बसवना की कर्म भूमि में ये जो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से और सभी को लेके जो निर्णय हो रहा है इसको हम सब लोग जमा हुए हैं। मैं ज्यादा बात न कहते हुए तहसीलदार मैडम को एक ही विनती करता हूँ कि किसानों की जो मुख्य मांग है, हम जो ये बिल जब से केंद्र सरकार ने लाया है, सरकार में लाया जब से लाया है, हमारी मांग जो तीन बातों के है। सबसे पहली बात, जो मंडी की जो व्यवस्था है उसको खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंडी की व्यवस्था खत्म नहीं कर रही है। हमको जो ये केंद्र सरकार है उसके चाल चलन और चरित्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के समय में हमने देखा, बाकी अनप्लान लॉकडाउन के समय में देखा, हर वक्त कहती एक है करती एक है। हमने जीवंत उदाहरण देखा बिहार का, जब बिहार में मंडी की व्यवस्था खत्म हो गई उनका विकास दर रुक गया, उनके किसान किसानी छोड़कर महाराष्ट्र में और गुजरात में काम करने के लिए आए। इसलिए हम की सबसे पहली ये व्यवस्था है कि मंडी की जो व्यवस्था है वो बरकरार कैसे रहे और कैसे रहेगी, इसका लिखित स्वरूप से हमको आश्वासन देना, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग MSP, आज आप देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम किसान को मिलना चाहिए वो डिसाइड करने का जो अधिकार है हमसे छीनने का काम केंद्र सरकार कर रही है। ये हमको भरोसा नहीं, हमको ये पूरा डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि आज आप देखिए हमारा किसान 24/7 खेत में काम करना, रात को लेट है, रात में जाके पानी छोड़ना और सब इतना करके हम खेत फसल उगाने के बाद अडानी अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे खेत के सामने आएंगे और कहेंगे हम 10 रुपए बोले तो 10 रुपए देना, 20 रुपए बोले तो 20 रुपए देना, तो इसके लिए हम न्याय वाहन मांगने जाना, सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद अगर हम किसी को इसमें और ऐसे प्रोविजन है कि इसको हम डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को और रहित संघ के माध्यम से, मैडम आप जो हम सब मजलूम लोग हैं इनकी आवाज आप आगे ले जाने का काम कीजिए, और हम जो रहित संघ के सब लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये कानून पूरी तरीके से निष्फल करके इसको रद्द करना चाहिए, तभी जाके भारत में जो कृषि प्रधान देश बोलते हैं, हम अंग्रेजों का क्यों विरोध करते थे, क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे और अंग्रेज भारत में आके हमको हम खेत में काम करे सो उनको देके हम गुलाम बनते थे। अगर मुझे ऐसा लग रहा है फिर एक बार इस कानून के माध्यम से हम खेत के मालिक होते हुए, हमारा कष्ट होते हुए, हमारा खून खेत में रहते हुए भी हम कहीं ना कहीं गुलाम बनने जा रहे, तब अंग्रेजों के बन रहे थे, अब ये साहूकार और अब तब ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अब बिजनेसमैन के बनने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि हमारे जो किसान है, 70% भारत में किसान है, हम गांव-गांव में किसान लोग हैं, आपको विनती करते हैं कि जल्द से जल्द आपके माध्यम से केंद्र सरकार को सूचित करना चाहते हैं, हमारा सब्र का इम्तिहान मत लो, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम हर रोज आके आपको ये नहीं करते, जल्द से जल्द इस कानून को रद्द करें, विनती करता हूँ। संभाजी ब्रिगेड तालुका अध्यक्ष बसव कल्याण, मैं सभी किसानों की तरफ से सरकार से ये अर्जी करना चाहता हूँ, सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो आपने बिल जो पूरे किसान के ऊपर, देश के किसान के ऊपर जो लादे हैं आपने, जो किसान विरोधी जो बिल है उसको जल्द से जल्द आप अगर पीछे लिए तो किसान का इसी में हित है। अगर किसान 3 महीने से उनके हक के लिए दिल्ली के सड़कों पर लड़ रहे हैं और उनको आप पानी के बौछारें मारते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, तो ये किसान के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा जग में इस बात की चर्चा हो रही है। अभी हमारे बसव कल्याण तालुका के तहसीलदार मैडम ने कहा कि जय जवान जय किसान, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, हम उसी के साथ जय जवान जय किसान के साथ जय संविधान का भी नारा मुकलम यहाँ बुलंद करना चाहते हैं। और संविधान के हिसाब से ही जो जिसने इस संविधान को बनाया, खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी किसान की हित की बात की थी, और ब्रिटिश का सरकार के जब चालू था, सरकार का काल चालू था, उस टाइम भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी कुछ मोर्चे निकाले थे, और जो संविधान बनाने वाले जो किसान के लिए इतना सोचते थे, और आप भी बोलते हैं कि हम भी बहुत सारे बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके विचारों को मानते हैं, तो आप किसान के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमको अगर वो जो बिल नहीं चाहिए तो आप हमारे जबरन हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं? अब रोज़ TV पर रात में डिबेट होता है कि ये किसानों के बहुत हित में बिल है। अगर किसान समझ सकता है, पंजाब का किसान तो सबसे ज़्यादा होशियार है सबसे, क्योंकि पहली जो हरित क्रांति हुई थी पंजाब और हरियाणा में ही हुई थी, और वो वहाँ के सभी हमारे सिख भाई अगर रस्ते पे उतर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बिल हमारे विरोध में है, तो आप जबरन उस पर क्यों लाद रहे हैं?
हम जानते हैं हमारा किसमें अच्छा है किसमें बुरा है, हम एक विश्वास रख के आपको चुन के दिए, आपको एक सरकार बना के दिए केंद्र में, इसलिए नहीं दिए कि आप हम पर किसान के ऊपर ही अगर जुल्म करने के लिए हम आपको चुनकर नहीं दिए। आप बोलते हैं कि देश के सभी किसान भाइयों और बहनों, हर भाषण में आप कहते हैं कि भाइयों और बहनों, अरे भाइयों और बहनों कहते हैं और उसी के ऊपर आप जुल्म करते हैं, तो ये आपका कौन सा दोगलापन है? आप इस बात को भी समझिए, किसान आप हर तरफ से रास्ते पे उतर के किसान कह रहा है कि हमको ये तीनों भी बिल आपके नहीं चाहिए, आप जबरन ये कॉरपोरेट सेक्टर को मजबूत करने वाले, आपको इलेक्शन में फंडिंग करने वाले, ये जो बिल है, ये जो लोग है, ऐसे लोगों का फ़ायदा करने वाले, आप ये बिल मत लाइए और किसान का बात आप थोड़ा सुनिए। और आप हम सभी किसानों की तरफ से आपको ये अर्जी करते हैं, एक विनंती करते हैं कि आप ये जो बिल है तीनों भी वापस लीजिए और किसान का इसी में भला है ये हम जानते हैं। और इसी के साथ मैं मेरे दो शब्द रोकता हूँ।